हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्किप फिश के बारे में बात करेंगे। आखिर ये क्या होता है और आप इसका क्लीनलीनेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, स्किप फिश भी एक वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी स्कैनर टूल है। इसका काम होता है जो भी आपकी वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट है उसके अंदर सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू फाइंड करना होता है। इसके अलावा भी ये बहुत सारे काम करता है, जैसे जो भी आपकी वेबसाइट है उसके अंदर साइट मैप जो होता है उसकी डिटेल्स वगैरह निकालना, आपके वेबसाइट के लेआउट्स की डिटेल निकालना, जो भी आपकी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन है उसके स्ट्रक्चर को फाइंड करना, और जो भी उसके अंदर लिंक्स वगैरह है उसको में जो भी वल्नरेबिलिटी है ये सब फाइंड करना। तो चलिए मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकली ही दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसका हेल्प पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे अगर आप अभी तो मैं इस टूल का यूज़ मेटास्प्लॉइट पे करने वाला हूँ, तो उसके अंदर मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड तो नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे वेबसाइट का यूज़ कर रहे हैं जिसके लिए आपको लॉगिन क्रेडेंशियल देने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे देखिए ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन दिए हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन का यूज़ करके आप उसके अंदर लॉगिन क्रेडेंशियल डाल सकते हैं। जैसे ज़्यादातर वेबसाइट में यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ता है, तो इतना लिखने के बाद आप टारगेट वेबसाइट का यूज़र नेम दे दीजिएगा और ये उसके आगे लिख करके पासवर्ड दे दीजिएगा। अभी ये सब चीज़ें करना कैसे मैं भी आपको दिखाऊंगा। मैं तो आपको यहाँ पे बस शॉर्ट फॉर्म में ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको डीप स्कैन करना है तो हाइफन डी का यूज़ कर सकते हैं, और हाइफन ओ का यूज़ करके जो भी आपकी स्कैनिंग रिजल्ट आएगी उसको एक फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं। तो मैं इन सबको क्लियर कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने मेटास्प्लॉइट यहाँ पे रन करके रखा हुआ है। इसी मेटास्प्लॉइट का भी मैं यूज़ करूँगा। ये देखिए ओपन हो गया है, तो इसी के ऊपर मैं टेस्टिंग करूँगा। तो इसकी मैं यहाँ पे आईपी देख ले रहा हूँ, आईपी इसकी क्या है। अब मैं अपने काली लिनक्स मशीन पर चलता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों स्किप फिश का यूज़ करने के लिए सबसे पहले लिखिए स्किप फिश। इसके बाद दोस्तों आप जो भी रिपोर्ट्स इसके जनरेट होगी, जो भी वल्नरेबिलिटी आएगी उसको आपको किसी फाइल में सेव करना होगा। तो इसके लिए आप हाइफन ओ कमांड का यूज़ कर सकते हैं, और आप जो भी आप डायरेक्टरी का नाम देना चाहते हैं डायरेक्टरी का नाम दे दीजिए। तो मैं ABCD ऐसे ही डाल देता हूँ। आपको दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ केवल आपको डायरेक्टरी का नाम देना है, किसी फाइल का नाम नहीं, क्योंकि ये जो टूल है काफ़ी सारी फाइल आपकी वेबसाइट से मतलब ले करके आएगा, तो इस डायरेक्टरी के अंदर सभी के सभी फाइलें जा करके सेव हो जाएंगे। यहाँ पे आपको कोई एक्सटेंशन नेम नहीं देना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो भी आपकी टारगेट वेबसाइट है उसका यहाँ पे URL टाइप कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे आपके आप पेस्ट भी कर सकते। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ अपने मेटास्प्लॉइट का जो URL है, मैं यहाँ पे इसका टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों इतना करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे एंटर मारना है। जैसे आप एंटर मारेंगे यहाँ से आपको किसी भी की को दबाने के लिए बोलेगा, अगर आप नहीं दबाएंगे तो 60 सेकंड में ऑटोमेटिक ले लेगा। तो मैं कोई भी की दबा के इसको यहाँ से फॉरवर्ड कर देता हूँ, यानी कंटिन्यू कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों हमारी स्कैनिंग चालू हो गई है। तो ये स्कैनिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, ये डिपेंड दो तीन फैक्टर्स पे करता है कि आपका स्कैनिंग कितना जल्दी होगा। ये आपके डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। जितना जल्दी आप, अगर आपकी जो भी वेबसाइट है उस वेबसाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जनरली ये 15 से 20 मिनट ले लेता है स्कैनिंग करने में, तो मैं इतना देर तो वेट नहीं करूँगा। इसको मैं रोक करके कंट्रोल सी से यहाँ दबा करके जो भी इसकी बेसिक चीज़ होगी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल सी दबा के इसको रोक देता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आई हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अलावा मैं आगे भी और चीज़ें आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्कैन स्टैटिक्स दिखेगी, यानी जो भी आपने स्कैन किया है उससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें, यानी मैंने 39 सेकंड तक स्कैन किया, HTTP कितनी सारी रिक्वेस्ट गई है, यहाँ पे नंबर दिख रहा है पर सेकंड कितना डाटा गया और कितना आया है वहाँ से, ये सारी चीज़ें मिल रही है। कंपैरिजन कर रहा है कि इनपुट और आउटपुट डाटा में, यहाँ पे HTTP फॉल्ट दिख रहा है, यानी कि मेरा भी कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ पे फॉल्ट नहीं हुआ है, इसलिए 0 net error दिख रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें, मेरा कोई भी पैकेट ड्रॉप नहीं हुआ है, यहाँ पे 0 दिख रहा है। उसके अलावा TCP हैंडशेक, दोस्तों जब भी हम सर्वर से कनेक्ट करते हैं तो 3 step में हैंडशेक होता है, यानी जब भी दो डिवाइसेस आपस में कनेक्शन बनाती हैं तो उसके पहले आपको TCP हैंडशेक करना पड़ता है। बिना TCP हैंडशेक के दो डिवाइसेस के बीच में हम डाटा ट्रांसफ़र वगैरह नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मुझे TCP हैंडशेक 96 दिख रहे हैं,
और पर सेकंड कितने हो रहे थे ये दिख रहा है। वैसे अभी और भी होते हैं लेकिन मैंने इसको ऑफ कर दिया। उसके अलावा दोस्तों टीसीपी फॉल्ट, तो मेरा कोई भी पैकेट फॉल्ट नहीं हुआ है, यानी कोई भी पैकेट रुका नहीं है, सभी के सभी गए। अगर आप किसी काफी सिक्योर वेबसाइट के ऊपर ये टेस्टिंग वगैरह करेंगे तो हो सकता है कि कुछ यहाँ पे आपके फेल वगैरह हो जाए। उसके अलावा दोस्तों मुझे कुछ एक्सटर्नल लिंक्स वगैरह मिले हैं जिसको इस टूल ने स्किप कर दिया। यहाँ पे देखिए जितने भी लिंक्स होंगे यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। उसके अलावा कितने रिक्वेस्ट पेंडिंग है, यहाँ देखिए 748 इतने मेरे रिक्वेस्ट पेंडिंग थे, क्योंकि मैंने इस टूल को रोक दिया है, नहीं तो ये सारी रिक्वेस्ट अभी टारगेट वेबसाइट पे जाती और वहां से वल्नरेबिलिटी फाइंड करके लाती। अभी मैं दोस्तों आपको वल्नरेबिलिटी दिखाऊंगा कि किस किस टाइप की इसके अंदर वल्नरेबिलिटी मिलेगी। अभी तो मैं बस आपको यहाँ से कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। दोस्तों अब हम डाटाबेस के बारे में बात करेंगे, डाटाबेस स्टैटिक्स आखिर ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों किसी भी वेबसाइट का या वेब सर्वर का जो भी रिसोर्सेस और फाइल वगैरह होती है वो उसके डाटाबेस में ही जाके स्टोर रहती है। तो यहाँ पे डाटाबेस से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें दी हैं, जैसे पीवर्ड्स। तो ये पीवर्ड्स क्या होती है दोस्तों, पीवर्ड्स का काम होता है डाटाबेस के अंदर जो भी डाटा आ रहा है उसको ऑर्गेनाइज वे में रखना, और जब भी उसको सेंड करना हो तो उसको एक ऑर्गेनाइज वे में सेंड करना। तो यहाँ पे 288 है टोटल पीवर्ड्स, और नीचे भी देखिए दोस्तों इन प्रोग्रेस पे दिया हुआ है कि कितने रिक्वेस्ट अभी प्रोग्रेस में है। तो यहाँ पे 202 पेंडिंग पे है, 37 आपकी इनिशियलाइज हैं यानी जाने के लिए, 11 आपके सक्सेसफुल है, और आपको यहाँ पे चार डायरेक्टरीज देखने को मिलेगी। उसके अलावा मिसिंग नोड्स, अब ये नोड्स क्या होते हैं, तो दोस्तों जब भी आप किसी HTML पेज को ओपन करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे HTML के आपको टैग्स मिलते हैं, जैसे HTML टैग खुद ही होता है, उसके बाद DIR, BR और B, इसी तरह कई सारे टैग्स होते हैं। तो हमारे इस टूल को यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 14 जो टैग्स हैं ये स्पॉटेड हुए हैं, और नीचे भी आएंगे तो चीज़ें मिलेंगी, जैसे नोट्स के टाइप दिया हुआ है, और भी यहाँ पे देखिए इशू से रिलेटेड के कि 70 इंफॉर्मेशन है, डायरेक्टरी की साइज है, सिग्नेचर है। सिग्नेचर क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो हमें उसको सिग्नेचर करना पड़ता है, यानी वेरीफाई करना पड़ता है, क्योंकि केवल जो इन्फॉर्मेशन होती है वैलिड यूज़र तक जाती है। बिना अगर सिग्नेचर वेरिफिकेशन किए आप टारगेट डेटाबेस से डाटा एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ सिग्नेचर की संख्या आपको दिख रही है, नंबर दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों आप जीत जाएंगे तो जो भी आपकी वेबसाइट में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह होगा ये उसको समराइज करके दे देगा। अगर आप लिंक्स में पड़े हुए डाटा को देखना चाहते हैं तो राइट क्लिक कीजिए, ओपन लिंक पर जाइए, तो यहाँ पे आपको इसके अंदर जो भी डाटा पड़ा होगा आपके ब्राउज़र में दिख जाएगा। तो अभी देखिए ये थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा, मेरा थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, तो ये देखिए मेरे ब्राउज़र में ये ओपन हो रहा है, तो इसको ओपन है जाने दीजिए। ये देखिए दोस्तों ये ओपन हो गया, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिख रही होगी, अगर ये आपके काम लायक होगी तो आप देख लीजिएगा इसके पढ़ पढ़ के दोस्तों, आप इसके अंदर की वल्नरेबिलिटीज फाइंड वगैरह कर सकते हैं। तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। यहाँ पे आपको दोस्तों जिस भी लिंक के अंदर जाना है आप जाके देख लीजिए कि उसके अंदर कौन सा डाटा पड़ा है। अब दोस्तों हम थोड़ा नीचे चलते हैं, तो नीचे चलेंगे दोस्तों हमारी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पर है, index.html। तो दोस्तों जो भी हमने स्कैन किया हुआ है वो हमारे इस फाइल के अंदर, इसके अंदर सारी वल्नरेबिलिटीज आपको दिख जाएगी। तो इस फाइल को आप यहाँ टर्मिनल से ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इसी के अंदर आपको वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेगी। अब इसको ओपन करने के लिए आप चाहे यहाँ ब्राउजर से ओपन करिए, ब्राउजर पे ओपन करना भी मैं आपको सिखाऊंगा कि ब्राउजर पे आकर ये ओपन कैसे होगा, मैं आपको बता देता हूँ आप अपने फाइल मैनेजर से कैसे ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे होम पे जाना है, होम पे जाने के बाद आपको देखिए यहीं पर आपको जिस भी फाइल का नाम आपने दिया होगा, जैसे मैंने फाइल का नाम दिया था ABCD, तो ये देखिए आपको ABCD नाम की फाइल मिल जाएगी। तो इसके अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे थोड़ा आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको index.html की फाइल यहाँ पे खोजनी है कि आखिर वो कहाँ पर है। तो ये देखिए दोस्तों index.html की यहाँ पे फाइल है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ फायरफॉक्स करेंगे, ये वाली फाइल आपको यहाँ पे जाके ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए मेरी स्कैन हो करके आई है। अभी मैंने जो स्कैन स्टार्टिंग में किया था तो स्कैन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी यहाँ पे आके आपको दिख रही है, जैसे जो भी मेरे वेबसाइट में इमेजेस वगैरह थी, जावास्क्रिप्ट की फाइल थी, जो भी चीज़ें स्कैन वो करके लाया था ये मेरी इस डायरेक्टरी में आके सेव हो गई। तो यहाँ से आप इसके अंदर जा जा करके देख सकते हैं कि आपकी टारगेट वेबसाइट में कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी है। वैसे आपको index.html में वो सारी चीज़ें आपको एक लेआउट के रूप में दिख जाएगी। चलिए मैं आपको इसको टर्मिनल पे दिखाता हूँ कि आपको इस फाइल को टर्मिनल पे कैसे ओपन करना है। तो टर्मिनल पे ओपन करना भी बहुत ईजी है, आप यहाँ पे लिख दीजिए फायर फॉक्स,
फायरफॉक्स लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फाइल का नाम देना है, तो मैं यहाँ पे index.html लिख देता हूँ। जैसे दोस्तों इतना लिख करके एंटर मारूंगा, ये वाली मेरी फाइल ओपन हो जाएगी और आपको एक ग्राफिकल के रूप में शो होगा कि आपके टारगेट वेबसाइट में कौन कौन से फॉल्ट वगैरह हैं। तो ये देखिए मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है। अभी जैसे ओपन हो रही है तो मैं आपको कुछ चीज़ें इसके अंदर बताता हूँ कि आपको वल्नरेबिलिटी कैसे देखनी है। तो ये थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू है, मैं इसको एक बार फिर से रीलोड करके दिखाता हूँ। तो इसको रीलोड कर रहा हूँ तो सर अभी लग रहा है कि इसके अंदर मेरा कुछ इशू है। तो मैं दोस्तों आपको इसको फाइल मैनेजर से ही दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरा काम है आपको बस इसके अंदर की चीज़ों को दिखाना। तो इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। ये देखिए दोस्तों हमारी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो रही है। थोड़ा सा मेरा नेट का इशू है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे देखिए मेरी फाइल, ये index.html की फाइल ओपन हो गई है। अब यहाँ पे ऊपर आपको कुछ थोड़ा सा इंडिकेट करेगा कि आपकी वेबसाइट में किस टाइप की वल्नरेबिलिटी है। तो यहाँ पे जैसे आपको ये ऑरेंज तरीके के दिख रहा है, ये थोड़े मीडियम रिस्क है। आपको जो ब्लू वाले दिख रहे हैं वो लो रिस्क है। आपको ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है, यानी नोट्स है, कोई फाइल वगैरह टेक्स्ट फाइल, 345 आपको यहाँ पे कुछ जो दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे यूनिक चिल्ड्रेन नोट्स, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे अभी यहाँ पे रेड रेड नहीं दिख रहा है, जो हाई लेवल के रिक्स है। अगर आप नीचे आएंगे तो जितने भी मीडियम लेवल की रिक्स होगी, यहाँ पे देखिए आपको इंडिकेट करके दिया हुआ है। इन सब चीज़ों के बारे में आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं देखिए सभी नहीं बता सकता, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया। मैं अगर हर चीज़ों के ऊपर मैं और बताने लगा तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, और बहुत सारे लोग लंबी वीडियोस देखते भी नहीं हैं, तो मेरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मैं आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब्स की कुछ गाइडलाइंस होती है, कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है। मैं सभी चीज़ें तो इस पर नहीं बता सकता, केवल आपको हिंट दे सकता हूँ। उस हिंट का यूज़ करके आप जा जा करके खुद भी इन सब वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। कुछ बेसिक वल्नरेबिलिटी तो आपको खुद ही पता चल गई होगी, क्योंकि मैंने पिछले कुछ वीडियोस में काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटी के बारे में शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा थोड़ा बताया हूँ। अगर आप रेगुलर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो कुछ चीज़ें आप वैसे ही पकड़ लेंगे मेरी प्रीवियस वीडियो से। तो यहाँ पे देखिए जितने भी आपको ये ऑरेंज वाले दिख रहे हैं, ये सब मीडियम लेवल के रिक्स हैं, और ये जो ग्रीन ब्लू वाले दिख रहे हैं, ये लो लेवल की रिक्स हैं। तो इन सभी वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में इंटरनेट पे या बुक्स में बहुत सारे डाटा पहले ही से पड़े हुए हैं। और भी दोस्तों अगर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाना चाहूँ, जैसे प्लेन टेक्स्ट HTML, अगर इमेजेस वगैरह होंगी तो फिर रुकिए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे HTML के सारे यहाँ पे लिंक्स वगैरह मिल रहे हैं। अगर आप HTML टेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे। इमेजेस वगैरह भी अगर दोस्तों होगी तो इमेजेस वगैरह भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों आप किसी भी वेबसाइट के अंदर जा करके उसके अंदर की वल्नरेबिलिटीज़ दे सकते हैं कि उसके अंदर हाई लेवल की वल्नरेबिलिटीज़ है, लो लेवल की है, या मीडियम लेवल की है। और जो भी उसके अंदर डाटा पड़ा होगा, ये टूल क्या करता है, सभी आपके सामने शो कर देता है। तो आप उसके अंदर जा जा के देख करके उसको चेक कर सकते हैं। यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस होती है, जिसकी वजह से मैं आपको ज़्यादा इसके ऊपर नहीं दिखा सकता, तो इतना आपके लिए काफ़ी है। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।